नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं श्रवण राज पुरोहित यूटन डिजिटल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि हम आपके लिए स्पेशल क्लास लेके आने वाले हैं करंट अफेयर्स की, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आपके लिए आज पहली क्लास लेके आए हैं करंट अफेयर्स की। कुछ ऐसे टॉपिक और कुछ ऐसे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आज जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, जिनके इर्द गिर्द आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। चलिए आइए, तो पहला जो टॉपिक है आज हमारा वो है आईपीएल। आईपीएल की अगर बात करें हम इंडियन प्रीमियर लीग की, तो 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी और जो पहला खिताब था वो राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। और 2019 के अगर क्रम की बात करें हम, तो आईपीएल का ये जो क्रम था वो 12वां क्रम था, 12वां आईपीएल, आईपीएल 12। ठीक है, इसकी बात करें हम तो पहला मैच जो खेला गया था वो आपके चेन्नई और बेंगलोर में के बीच में खेला गया था और चेन्नई इसमें विजेता रही थी आपके। और भी अगर आगे बात करें हम तो फाइनल जो मैच था वो आपके मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग के बीच में खेला गया। मुंबई इंडियंस की अगर बात करें तो मुंबई इंडियंस इसमें विजेता रहा है और मुंबई इंडियंस इससे पहले 2013, 2015 और 2017 का भी विजेता रहा है। और चेन्नई सुपर किंग की बात करें तो इससे पहले चेन्नई भी 3 बार विजेता रही है और अब मुंबई जो है आपके 4 बार हो गया है। सबसे ज्यादा खिताब जीतने वाली जो टीम बनी है वो मुंबई बनी है। इससे आगे हम बात करें कि कौन से स्थान पे खेला गया, कौन से स्टेडियम में खेला गया, तो यहाँ पे स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ पे है, तो आप बता सकते हैं कहाँ पे है, हैदराबाद में। और अगर पूछे आपको और क्वेश्चन कि हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है, तो आप बता सकते हैं कि हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे है। चलिए आगे कुछ देखते हैं और क्वेश्चन, आगे चलते हैं हम। अगर आपको पूछे कि फाइनल जो मैच हुआ उसमें जो है मैन ऑफ द मैच कौन रहे, तो आप बता सकते हैं जसप्रीत बुमराह, जो भारतीय तेज बॉलर है और वो मुंबई से खेलते हैं। इससे आगे आपको पूछे कि मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे, तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट जो रहे आपके वो रहे आंध्र रसेल। और ये किस देश से है, तो आप बता सकते हैं कि आंध्र रसेल जो है वो वेस्ट इंडीज से खेलते हैं। और ऐसे अगर आईपीएल में बात करें तो आईपीएल में वो आपके कोलकाता से खेलते हैं। इसी क्रम में हम आगे बात करें तो इसमें दो इंपॉर्टेंट जो कैप होती है, एक होती है आपकी पर्पल कैप और दूसरी आपकी होती है ऑरेंज कैप। तो पर्पल कैप की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा जो विकेट लेता है या अच्छा बॉलर होता है उसको दी जाती है। तो इस 2019 की बात करें तो पर्पल कैप आपको दी गई इमरान ताहिर की, जो चेन्नई से खेलते हैं और जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए, टोटल 26 विकेट लिए इन्होंने। ठीक है, इमरान ताहिर की अगर बात करें हम कि किस देश से खेलते हैं वो, तो बता सकते हैं आपकी साउथ अफ्रीका के प्लेयर है इमरान ताहिर। इससे इसी क्रम में आगे बात करें तो दूसरा जो कैप होता है वो होता है आपका ऑरेंज कैप, और ऑरेंज कैप उस प्लेयर को, उस खिलाड़ी को दी जाती है जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रन बनाता है, सबसे ज्यादा रन बनाता है। तो वो खिलाड़ी है 2019 के डेविड वार्नर की अगर बात करें तो वो हैदराबाद से खेलते हैं और उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए 692। और अगर डेविड वार्नर की और बात करें किस देश से है, तो आप बता सकते हैं कि डेविड वार्नर जो है वो ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर है। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें हम, तो ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो है कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी होती है वो है डॉलर। ठीक है, इसी क्रम में अगर बात आगे बात करें हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो थे 2019 में वो रहे आपके आंध्र रसेल, जो कोलकाता से खेलते हैं। उसी क्रम में और आगे बात करें हम तो स्टाइलिश प्लेयर ऑफ द सीजन, इस सीजन में सबसे स्टाइलिश प्लेयर कौन से थे, तो वो थे आपके केएल राहुल, जो भारतीय खिलाड़ी है और पंजाब से खेलते हैं। इससे आगे बात करें हम, एक अवार्ड होता है फेयर प्ले अवार्ड, जो टीम सबसे डिसिप्लिन में रहती है, सबसे अनुशासन में रहती है, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो इस बार जो है फेयर प्ले का अवार्ड जो दिया गया, सनराइजर्स हैदराबाद को दिया गया। इसी क्रम में हम आगे बात करें तो परफेक्ट कैच का एक अवार्ड होता है, परफेक्ट कैच का, इस सीजन में परफेक्ट कैच किसने लिया, तो आप बता सकते हैं कि किरण पोलार्ड वो व्यक्ति है, वो खिलाड़ी है जिनको परफेक्ट कैच का अवार्ड दिया गया। अगर और अच्छा क्वेश्चन पूछा आपको, तो आपको ये पूछ सकता है कि 2019 के आईपीएल में कुल कितने मैच खेले गए टोटल, तो आप बता सकते हैं इसमें कि टोटल कितने मैच खेले गए, 60 मैच खेल गए। अगर अवार्ड की बात करें कि कितना राशि जो दी जाती है, किस विजेता टीम को पुरस्कार दिया जाता है, तो आप बता सकते हैं इसमें कि टोटल जो विजेता टीम रहती है उसमें 20 करोड़ दिया जाता है और उप विजेता जो टीम रहती है उसको 12.5 करोड़, इससे जो प्लेऑफ में जो टीम खेलती है उनको 10.5 करोड़, और जो फाइनली
आठ टीमें होती है उसमें सभी को बाकी जो टीमें रहती है प्लेऑफ के अलावा उनको 8.5 करोड़ रुपए सभी को मिलता है। इसी क्रम में हम आगे जो टॉपिक ले रहे हैं, आगे जो टॉपिक लिया है हमने आज भारत रत्न के बारे में। भारत रत्न का मैं आपको बता दूं कि भारत रत्न भारत का सबसे मोस्ट सिविलियन अवार्ड है, सर्वोच्च अवार्ड जो है, और इसकी शुरुआत जो हुई थी 2 जनवरी 1954 में हुई थी, 1954 में हुई थी। अब तक जो है ये 48 व्यक्तियों को मिल चुका है, जिसमें जो है आपके 43 जो है पुरुष है और 5 महिलाएं हैं। इसी क्रम में अगर मैं बात करूं कि इंपॉर्टेंट एग्जाम आपका एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्योंकि भारत रत्न अभी सुर्खियों में रहा है। सुर्खियों में कैसे रहा है कि 2019 में 2015 के बाद वापस भारत रत्न 3 व्यक्तियों को दिए गए। तो भारत रत्न की जैसे मैं बात करूं आपको, तो इसमें एक तो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसमें कोई राशि नहीं मिलती है, कोई प्राइज नहीं मिलता है, पैसा वैसा कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ सम्मान होता है आपका ये एक भारत रत्न। भारत रत्न देखिए आप कि ये इसका फ्रंट हिस्सा है जिसपे भारत रत्न लिखा होता है, और ये पीपल के पत्ते का आकार का होता है, पीपल के पत्ते का आकार का होता है, और इसका बैक है, बैक साइड है जिसपे सत्यमेव जयते लिखा होता है। अगर मैं बात करूं कि 2019 में किन व्यक्तियों को मिला, तो सबसे पहले व्यक्ति है उसमें प्रवण मुखर्जी। प्रवण मुखर्जी आपके पूर्व राष्ट्रपति है। दूसरे व्यक्ति है आपके नानाजी देशमुख, नानाजी देशमुख जो संघ के विचारक रहे हुए हैं आपके। और तीसरे व्यक्ति है आपके भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका जो है वो एक संगीतज्ञ है, संगीतज्ञ है। दूसरे आपके एक निर्देशक भी है। तीसरे आपके ये एक राइटर भी है, साहित्यकार भी है, ठीक है। और भूपेन हजारिका आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि पहला एक ब्रिज था उसका नाम था ढोला सादिया, उसी का नाम अभी भूपेन हजारिका के नाम पे रखा गया है, तो वो कौन सी नदी पे है और किन किन राज्यों को जोड़ता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और एक और ब्रिज है वो भी आप बताइए कि एक ब्रिज और है बोगी बिल, वो कौन सी नदी पर है, ये कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझे बताइए। आज का दूसरा क्वेश्चन था आपके लिए ये। और आगे हम बात करें कि भारत रत्न किस किस में दिया जाता है, तो पहला था आपका कला, दूसरा था आपका साहित्य, तीसरा था आपका विज्ञान, और चौथा था आपका सामाजिक कार्य। ये 2014 से पहले इन चार में ही दिया जाता था, लेकिन 2014 की अगर बात करें हम, तो 2014 में सचिन तेंदुलकर को जब दिया गया तो इसमें खेल को भी ऐड किया गया, ठीक है। तो यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, 2018 बी ग्रुप और एएलपी दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला, तो आप बता सकते हैं 2014 में। और क्वेश्चन आपसे पूछा है, यहां से क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि 2015 में भारत रत्न किन को मिला, तो 2015 में आपके अटल बिहारी जी को, और दूसरे आपके व्यक्ति थे जो थे पंडित मदन मोहन मालवीय जी को। इन दो व्यक्तियों को आपके 2015 में भारत रत्न मिला, ठीक है। यहां से तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि अटल बिहारी जी का जन्मदिन होता है उस दिन हम भारत सरकार कौन सा दिवस मनाती है, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के मुझे बताइए कि अटल बिहारी जी का जो जन्म दिवस होता है उसके उपलक्ष में भारत सरकार जो है वो कौन सा दिवस मनाती है। यहां से अब एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ऐसे कौन से व्यक्ति है जिनको भारत रत्न, जो भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ अवार्ड होता है और पाकिस्तान का जो निशान है पाकिस्तान दोनों मिला हुआ है, तो वो व्यक्ति है आप बता सकते हैं मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई साहब थे जिनको निशान है पाकिस्तान निशान है पाकिस्तान और भारत रत्न दोनों ही मिले हुए हैं। और अगर हम बात करें कि पहली महिला कौन थी भारत रत्न जिनको मिला, तो वो इंदिरा गांधी जी थी। इसी क्रम में हम आगे अगर बात करें कि अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है यहां से,
चलिए तो अगला क्वेश्चन है आपके, अगला क्वेश्चन है विकासशील देशों की WTO मंत्री स्तरीय बैठक 13 से 14 मई के बीच में नई दिल्ली में आयोजित हुई। तो यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि WTO के जो विकासशील देश है उनकी मंत्री स्तरीय बैठक कहां पे आयोजित हुई, तो आप बता सकते हैं नई दिल्ली में। अगर WTO की बात करें हम, तो WTO की जो स्थापना हुई थी वो 1995 में हुई थी। यही जो था पहले गेट था, गेट के नाम से जाना जाता था, और वही गेट बना आपके WTO। स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम तो हेडक्वार्टर बहुत बार पूछा जाता है, तो इसका हेडक्वार्टर जो था वो जिनेवा है, जिनेवा स्विट्जरलैंड, और इसके डायरेक्टर जनरल जो है वो रॉबर्ट अजय वेदो थे। और टोटल मेंबर की बात करें WTO की, तो टोटल मेंबर है आपके 164, और लास्ट वा जो बना 164वां वो अफगानिस्तान था। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आपसे, अगला क्वेश्चन है आपका मैड्रिड ओपन टेनिस का टूर्नामेंट का खिताब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, 2018 का भी पूछा गया था आपके बैंक के एग्जाम में। तो अगर पुरुष की बात करें, मेल एकल खिताब की बात करें, तो नोवाक जोकोविक जो है वो जो सर्बिया के हैं, इन्होंने ये खिताब मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब 2019 का जीता है। और अगर महिला फीमेल की अगर बात करें हम, तो किकी बट्रेस जो थे उन्होंने एकल खिताब 2019 का मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला ओपन का खिताब जीता है। और अगर किकी बट्रेस की हम बात करें तो ये डच की है। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि इन दोनों ने किसको डिफीट करके ये खिताब जीता है, किनको हराया है। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे बात करें तो कुछ डे है आपके लिए, दो डे मैंने लिए है आपको इंपोर्टेंट डे है। पहला है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, जो हर साल 11 मई को मनाया जाता है। ये हमारा भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था 1974 में इंदिरा गांधी जी के समय, जिसका नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। उसी क्रम में दूसरा परीक्षण हुआ हमारा 11 मई 1998 में, और इसका नाम रखा गया शक्ति मिशन। और इस शक्ति मिशन की कामयाबी के उपलक्ष में भारत उसी दिन से हर वर्ष 11 मई को जो है टेक्नोलॉजी डे मनाता है। दूसरा जो डे है आपका यहां से, वो है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, इंटरनेशनल नर्स डे, वो 12 मई को मनाया जाता है आपका हर साल। और इसका जो थीम रहा था वो थीम था नर्स अ वॉइस टू लीड हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं यहां से, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना मुझे कि रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है और 2019 का थीम क्या था। रेड क्रॉस जो है वो एक शांति युद्ध काल में और शांति के दौरान सैनिकों के लिए जो कार्य करती है, ये हेनरी डुनांट साहब की जो है वो देन है पूरे विश्व के लिए। इसी के आगे क्रम में हम बात करें तो एक आपका न्यूज है, ऑस्ट्रेलियाई युद्ध पोत जो है HMAS टुबुम्बा चेन्नई की यात्रा पर आया है। हम तो ये क्यों आया है हम बात करेंगे इस पे। तो जो बंगाल की खाड़ी में है आपके, वो एक एक्सरसाइज होने वाली है, लॉ पेरूज एक एक्सरसाइज होने वाली है आपकी बंगाल की खाड़ी में। इसलिए ऑस्ट्रेलिया का एक वॉरशिप जो भारत की बंगाल की खाड़ी में या भारत की चेन्नई की यात्रा पे आया है, उसका नाम है टुबुम्बा। याद रखेंगे, आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा युद्धपोत है, कौन सा वॉरशिप है वो लॉ पेरूज के एक्सरसाइज में शामिल हुआ था, तो आप बता सकते हैं HMAS टुबुम्बा। इसी क्रम में हम आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, भारतीय वायुसेना में प्रथम हेलीकॉप्टर जो अपाचे, यूएसए का ही है अपाचे, सबसे तेज तरार हेलीकॉप्टर है युद्ध के समय। और ये भारत सरकार का एग्रीमेंट हुआ था यूएसए गवर्नमेंट के साथ में 2015 में, और जो यूएसए की कंपनी है वो बनाती है बोइंग कंपनी के द्वारा ये बनाया जाता है। और पहला जो हेलीकॉप्टर है वो भारत को मिल गया है अभी। आगे हम बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है वो है संयुक्त राष्ट्र महासंघ की महासागर का जो सम्मेलन हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, तो आप इसमें बता सकते हैं कि वो लिस्बन। और लिस्बन क्या है, लिस्बन जो है वो आपके पुर्तगाल की कैपिटल है। ठीक है,
इसी क्रम में हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा आज का। तो अगला क्वेश्चन आज कुछ टॉपिक है, कुछ क्वेश्चन लिए हैं मैंने आपके लिए। आप बताना कि पहला ही क्वेश्चन है कि हाल ही में थोपिल मिरन का निधन हुआ है, वो किस भाषा के साहित्यकार थे? तो वो भाषा के साहित्यकार थे तमिल भाषा के। ठीक है, अगला ही क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है आपके, हाल ही में किस देश की संसद ने ब्रिटेन के बाद जलवायु आपातकाल घोषित किया है? ये पेरिस समझौते के तहत हुआ है, पेरिस समझौता। क्योंकि आज के टाइम में सबसे बड़ा जो दिक्कत है वो है जलवायु को लेके, ग्लोबल वार्मिंग को लेके। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सारे देश इकट्ठा हुए हैं। सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो प्लास्टिक से हो रहा है, क्योंकि प्लास्टिक जो है आपका वो सड़ता नहीं है, कितने साल आप उसको मिट्टी में रख दो कहीं भी। तो अभी समुद्र में जो है, समुद्र में प्लास्टिक के बड़े बड़े पहाड़ बन गए, तो उसको लेके पूरा विश्व चिंतित है। इसी के क्रम में पेरिस पे सभी देश इकट्ठा हुए थे और समझौता किया था कि हम जो है जलवायु के लिए कुछ करेंगे। तो ये दूसरा देश बना है, दूसरा देश बना है आपका आयरलैंड, और पहला देश था जिनकी संसद ने जलवायु आपातकाल घोषित कर दिया है वो था ब्रिटेन। ठीक है, आपको अगर क्वेश्चन पूछे तो आप बता सकते हैं कि दूसरा देश कौन सा बना है, आयरलैंड। अगर आपको पूछे कि पहला कौन सा था तो आप बता सकते हैं ब्रिटेन। आगे चलते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं हम। क्वेश्चन वापस वही आ गया आपके लिए कि भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बता सकते हैं इसी का आंसर कि 11 मई को मनाया जाता है भारत नेशनल टेक्नोलॉजी डे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना को हाल ही में कौन सा अपना पहला लड़ाकू हेलीकॉप्टर मिल गया है? अभी हमने डिस्कस किया था, वो आपका है अपाचे गार्जियन, जो है भारत को मिला है यूएसए से। किस कंपनी ने बनाया है? तो आप बता सकते हैं कि बोइंग कंपनी द्वारा। ठीक है, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस अभिनेत्री को संयुक्त राष्ट्र के नए एसडीजी एडवोकेट्स में शामिल किया गया है? तो आप बता देना कि वो अभिनेत्री कौन है आपकी, दिया मिर्जा। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आप हमें कमेंट करके और बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, कमेंट करें, और इसमें हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो आप बताएं, क्योंकि मैं आपके लिए अलग अलग टॉपिक वाइज भी वीडियो लेके आने वाला हूँ, और मंथली के हिसाब से भी वीडियो लेके आने वाला हूँ, जिसमें आपके टॉप बेस्ट जो क्वेश्चन होंगे 100 क्वेश्चन वो लेके आऊँगा मैं आपके। और ओके दोस्तों, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमें बताएं कि और हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं इसमें। थैंक यू।